और आप बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, वहां की तस्वीर क्या नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक आपको बताएंगी मेरी सहयोगी श्री। तो फाइनल ओपिनियन पोल में अब धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। और मेरे पीछे इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो चिनाब नदी पर बना हुआ चिनाब ब्रिज, जो देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज है और साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यही से वो आंकड़े आपके सामने देखिए आ गए हैं। और यहाँ पर सर्वे ये कहता है कि 47% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा सकता है। सर्वे के मुताबिक एनडीए इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 45% वोट शेयर जा सकता है उनके खाते में, और साथ ही अन्य को 8% वोट शेयर मिल सकता है। तो सर्वे में वोट शेयर की तस्वीर ये निकल कर आई है सामने जम्मू कश्मीर की, और यहाँ पर 5 सीटें हैं। अब ये सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट होंगी वो भी आपके सामने आंकड़े जल्दी से मैं रख देती हूँ कि आखिर सीटें कितनी किसको मिलती दिख रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। तो देखिए आंकड़ा आपके सामने आ गया है, बीजेपी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है। 5 में से 3-2 की तस्वीर निकल कर सामने आई है जिसमें बीजेपी को 2 और इंडिया गठबंधन को 1 एक्स्ट्रा सीट, यानी कि 3 सीटें मिल सकती है जम्मू कश्मीर में इस सर्वे के मुताबिक। ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल और सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि 3 सीटों के साथ यहां ऊपर दिख रहा है इंडिया गठबंधन। अखिलेश, अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, फाइनल ओपिनियन पोल का फाइनल आंकड़ा आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की। अब हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उसका इशारा यह है कि यहां पर इंडिया गठबंधन जो है वो 3 सीटें जीतते हुए अपर हैंड पर इस वक्त आप कह सकते हैं, और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। ये इस पोल का साफ तौर पर इशारा, यानी जो 5 सीटें वहां लोकसभा की हैं उसमें इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन लद्दाख में क्या होगा, एक बार फिर से मैं चलता हूं श्रीन के पास, और अब बारी लद्दाख की है। लद्दाख का आंकड़ा क्या कहता है फाइनल ओपिनियन पोल में, जब हमने पूछा, सी वोटर ने जब लोगों के बीच जाकर पूछा लद्दाख के लोगों की राय, तो आपको बताते हैं कि यहां देखिए पैंगोंग लेक के किनारे इस वक्त मैं खड़ी हूं, और आपको ये आंकड़ा भी यहीं से हम दिखा रहे हैं, बीजेपी को 42% वोट शेयर मिल सकता है सर्वे के मुताबिक। सर्वे ये कहता है कि इंडिया गठबंधन के खाते में यहां 45% वोट शेयर जा सकता है और 13% वोट शेयर पर अन्य का कब्जा हो सकता है। 1 सीट है लेकिन महत्वपूर्ण है, और ये वोट शेयर आपके सामने हमने रख दिया। अब जरा सीटों के लिहाज से भी तस्वीर खोलकर आपके सामने रख देते हैं कि ये 1 सीट किसके खाते में जा रही है, वोट शेयर तो आपने देख लिया, और 1 सीट इंडिया गठबंधन को यहां मिल रही है, यानी कि लद्दाख की ये सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। बीजेपी को यहां से निराशा हाथ लग सकती है इस ताजा सर्वे के मुताबिक। जो ओपिनियन पोल में लोगों से बातचीत के दौरान पता चला है वो लद्दाख की ये तस्वीर इस वक्त, जहां इंडिया गठबंधन के खाते में ये 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अखिलेश, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया बीजेपी ने, और पिछली बार ये सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी का साफ तौर पर यहां पर नुकसान नजर आ रहा है। और आपको ये भी पता है लद्दाख में पिछले कुछ वक्त से आंदोलन भी चल रहा है, लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लद्दाख की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट जो यहां पर है लोकसभा की, और जम्मू कश्मीर में जो 5 सीटें हैं लोकसभा की उसमें इंडिया अलायंस 3 जीती हुई नजर आ रही है, जबकि एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है। यानी शिवम, यहां पर आप देखिए इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उनका अपर हैंड साफ दिख रहा है। देखिए अखिलेश जी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, मोदी सरकार ने जो काम किया है, वो अविस्मरणीय है। मैं कहता हूं चुनाव होने वाले हैं, नतीजे भी आपके सामने होंगे, और जब हम सब बैठकर चर्चा कर रहे होंगे इस पर, तो नतीजे जब आप देखेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि खासतौर पर अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो चाहे वहां पर जिस तरीके का मिलिटराइजेशन था, जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके से पत्थरबाजी थी, जिस तरीके से आतंकवाद का पनपना था, जिस तरीके से जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे उनका हाल था, वो सब साफ करने में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो पिछले 70 साल में कभी हुआ नहीं है। जिस तरीके से 370 हटने के बाद वहां पर अगर आप टूरिज्म की बात करें तो ऑल टाइम हाई है, जिस तरीके से चीजें बेहतर हुई है वो इस देश ने देखा है। आए दिन जो तस्वीरें, जिनमें अगर हम साल में 365 दिन होते थे तो अप्रॉक्सिमेटली 50-60 दिन सिर्फ यही डिस्कशन करते थे कि आज सेना पर वहां हमला हो गया, आज इस तरीके से पत्थरबाजी हो गई, आज सेपरेटिस्टों ने यह बयान दिया। पिछले साल से आपको कोई उस तरीके की डिबेट्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और ये हमारी कामयाबी है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम चुनाव में होंगे तो जनता में इसका असर भी दिखाई देगा, और वो अब तो मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया में वो जगह बनाता भी है। अब जम्मू कश्मीर से उस तरह की घटनाएं नहीं आती, अब जम्मू कश्मीर से उस तरीके से बमबारी और तमाम चीजों की घटनाओं की आवाज और खबरें नहीं आती। एक बेहतर और प्रॉस्पेरस जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। सवाल ये खड़ा होता है कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं फिर भी, निशांत जी, आप लोगों को क्यों इतना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन को, क्या आकलन है आपका? अखिलेश जी, सबसे पहली बात तो अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में
सही में विकास के कोई कार्य हुआ होता और वहां की जनता को अगर भारत की मेन स्ट्रीम में लाया होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पुलवामा में हुए शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांगना पड़ता। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मेरे पास डाटा है, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद हुई वारदात, उसमें हुए कितने सिविलियन शहीद हुए, कितने हमारे आर्मी और पुलिस के जवान शहीद हुए, वो डेटा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद मुझे पेपर दिखाने के लिए निकाले थे, बताइए क्या डेटा है। अखिलेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं बोल नहीं रहा हूँ, पेपर दिखा के नीचे रख लिया, बताइए क्या डेटा है। सबसे बड़ा है, शांति रखिए, मैं डेटा बताइए, मैं शांति रख रहा हूँ, मैं नहीं बोलूँ आपके बीच में। पेपर दिखाया, रख दिया, कब दिखाएंगे, शो खत्म होने के बाद दिखाइए। मैं आपको मुझे मुंह जबान नहीं आते, पेपर की आवश्यकता नहीं है, उसमें देश देख रहा है, उसमें भी पेपर की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आईना दिखाता हूँ, मुझे अखिलेश कब दिखाएंगे भाई। आर्टिकल 370 हटी तो नहीं, नन अवॉइड हुई है, हटी तो नहीं, अभी भी संविधान में है, लेकिन उसके बाद ये पैनल में बैठे हुए कितने लोगों ने वहाँ पे जमीन खरीदी, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सके, कितने राज्यों के लोगों ने बिजनेस ने वहाँ पैनल में 5 लोग जो बैठे हुए वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन है, कमाल बात हो गई। चलिए मैं आपको एक टिकट स्पॉन्सर करता हूँ, जाइए जम्मू कश्मीर घूम के आइए, बेशक आप कांग्रेस के हैं लेकिन आपका विचार बदल जाएगा जम्मू कश्मीर को लेकर, अगर आप घूम कर आएंगे वहाँ पर। चैनल पर बैठकर भाषण देने से कुछ होगा नहीं। मुझे बीजेपी का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका भ्रष्टाचार का। जम्मू कश्मीर पर कम से कम 2-4 मिनट तो टिके रहते, वो डेटा तो बताइए जो 370 हटने के बाद दिखाने वाले थे, अभी तक निकला नहीं है वो पेपर। कश्मीरी पंडितों को एनसीआरबी का डेटा दिखाइए, दिखाइए कैसे झूठ बोलते हैं कांग्रेसी टीवी पर बैठकर, कहते हैं कि मेरे पास 370 हटने के बाद से एनसीआरबी का डेटा है, ये मैं बताता हूँ देश को, मैं बार बार पूछ रहा हूँ वो डेटा कहाँ है, डेटा नहीं निकल रहा। ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें आगे बताइए ना, इसमें क्या है, चर्चा में लाना चाहता हूँ, ठीक है रावल साहब, एक मिनट रुक जाइए, सवाल पूछने दीजिए। मेरा एक बुनियादी सा सवाल है, क्या जनता सिर्फ इसी आधार पर जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में वोट कर रही है, विकास वगैरह की जो बातें की जा रही हैं, या जो उनका अपना एक इतिहास रहा है, या फिर जिस तरह की वैचारिक लड़ाई वहां देखने को मिली, उसका असर आप देखते हैं इस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर में लोगों की सबसे बड़ी मांग है राज्य की दर्जे की बहाली हो। बाकी चीजें ठीक है, शिवम जो कह रहे हैं वहां 370 हटाने के बाद जो भी परिवर्तन आए होंगे, वो आंकड़ा मेरे पास तो इस समय है नहीं, लेकिन एक ये वहाँ एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा है राज्य की बहाली, जिसका वादा भी केंद्र सरकार ने संसद में किया है। जिस वक्त 370 हटाई गई तब भी ये वादा गृहमंत्री जी ने अपने भाषण में किया था कि हम राज्य बनाए, अभी तक तो राज्य की बहाली हुई नहीं। दूसरा, राज्य विधानसभा के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, वो भी एक, अगर वाकई स्थिति बहुत अच्छी है तो अब तक चुनाव करा लेने चाहिए विधानसभा के। अगर जैसा कि शिवा मारे मित्र कह रहे हैं कि वहाँ सब शांति बहाल हो गई, टूरिज्म हो गया, ये हो गया, तो अब तक चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, तो साथ में लोकसभा के साथ चुनाव करा लेते विधानसभा के। लद्दाख में एक दूसरा संतोष हो रहा है इस समय, सोनम वांगचुक जिस तरह वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं और वहाँ लद्दाख को जो है वो आर्टिकल शेड्यूल 6 में लाने की जो बात है वो उसको लेकर के, चूंकि उसका वादा पिछले चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया था 2019 में कि हम इसको 6 शेड्यूल में रखेंगे, लेकिन वो नहीं किया इन्होंने, तो उसको लेकर के वहाँ एक असंतोष है, जिसको लेकर हम लोगों ने देखा भी, पिछले दिनों अनशन हुआ, जैसे जुलूस निकला, रैली निकली, और चीन के अतिक्रमण को लेकर भी वो भी एक सवाल है कि चरवाहे नहीं जा पा रहे हैं, ये सारे सवाल के मुद्दे वहां पर हैं। मुझे लगता है इसका जो है नुकसान, लेकिन अभय जी ये भी सच्चाई है, जम्मू कश्मीर में 2 सीटें बीजेपी जीत रही है, क्या इसमें कोई बदलाव भी आ सकता है आखिर में जाते जाते, 3-2 जो है ये आपको लग रहा है इधर से 3-2 हो जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये लोकसभा चुनाव जो है मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो चुनी जो रुकी हुई राजनीतिक प्रक्रिया थी, एक तरह से लोकसभा चुनाव के जरिए उसकी शुरुआत हो रही है, और इसके साथ विधानसभा चुनाव भी करा दिए जाते तो ये अपने आप में राजनीतिक प्रक्रिया संपूर्णता की तरफ बढ़ती। बहरहाल, जो भी हो, विधानसभा चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, इन लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के नेताओं और वहाँ की जो जनता है उसको अपना पहला राजनीतिक मुहावरा प्राप्त होगा। 370 का चरित्र जब बदला गया उसके बाद से पहले की तरह राजनीति करना जम्मू कश्मीर में असंभव हो गया, पहले की तरह के नारे जीरो हो गए, उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया, वो तमाम फिक्रे जो इस्तेमाल होते थे या जो और तरह के जो चुनावी या गैर चुनावी संगठन वहां पर सक्रिय थे, जैसे हुर्रियत वगैरह थे, अब वो सब खत्म हो चुका है पूरी तरह, वो अतीत हो चुका है। यानी जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा नेता है, जो पीडीपी के नेता है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, कांग्रेस, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी घाटी में जो तैयारियां कर रही थी
370 के किरदार बदलने से पहले उसकी वो तैयारियां भी जीरो हो गई, उसको भी अब नए सिरे से पूरी अपनी राजनीति करनी पड़ेगी। तो शायद इन लोकसभा चुनाव के जरिए जम्मू कश्मीर को एक नया राजनीतिक मुहावरा मिलेगा। ठीक है, अपेक्षा ये करता हूं।